हेलो एवरीवन मैं धीरज यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पे तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं आज हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जी हां अगर हम यहां पे चैप्टर की बात करें तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कैलेंडर हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में हम इसे पंचांग या फिर तिथि पत्रक के नाम से भी जानते हैं अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर चैप्टर की तो कहीं ना कहीं आप सभी को इस महत्वपूर्ण चैप्टर का क्या रहता है इंतज़ार रहता है कि कब कैलेंडर की क्लास आएगी जैसे कि अगर हम रीज़निंग की बात करते हैं तो कैलेंडर क्लॉक सिटिंग अरेंजमेंट पज़ल इस प्रकार के चैप्टर्स का आप सभी को क्या रहता है बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि ये चैप्टर्स कब कवरअप कराए जाएंगे तो अभी आपका इंतज़ार बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म होने वाला है और आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कैलेंडर वो भी बिल्कुल डिटेल में यानी कि मैं यहाँ पे आपको कोई भी कोड वोड नहीं रटाने वाला हूँ आप बिना कोड के हर एक चीज़ को जैसे कि अगर हम बात करें पूरे के पूरे रीजनिंग सेक्शन की तो कहीं पे भी हमने किसी फार्मूले का रट्टा मारने वाली जो प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं किया फॉर्मूलों को हम लोगों ने देखा ज़रूर लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है उसके पीछे के कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया और उसको समझते हुए कहीं ना कहीं हम लोग क्या करें हैं मूव ऑन किए हैं आगे के चैप्टर्स की ओर इसी कड़ी में अगर हम बात करें कैलेंडर की तो यहाँ पे भी हमें कुछ भी रटना नहीं हम सब सभी बातों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को लॉजिक के साथ समझने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल डिटेल में इसको कवर अप करने वाले हैं क्लियर चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर और इससे पहले कि मैं कैलेंडर स्टार्ट करूँ तो कुछ बेसिक बातें हम लोग कैलेंडर के बारे में समझ लेते हैं चलिए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी कैलेंडर की हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में हम इसे जानते हैं किसे तिथि पत्रक के नाम से चलिए अब कुछ बेसिक बातें हम लोग कैलेंडर के, के बारे में जान लेते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे चैप्टर की शुरुआत करेंगे कैलेंडर का तात्पर्य केवल दी गई तिथि पे दिन निकालने से ही नहीं है इसके अलावा बहुत से प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो उन सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर अप करते हुए चलेंगे क्लियर तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं कैलेंडर के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ कैलेंडर से आप क्या समझते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि कैलेंडर क्या है आपका समय मापने की एक इकाई है यानी कि कैलेंडर के द्वारा भी हम क्या करते हैं कहीं ना कहीं हम समय का ही मेजरमेंट करते हैं क्लियर जैसे आपका मिनट होता है आवर होता है वीक होता है डे होता है और उसी प्रकार से अगर हम मिनट और आवर की बात करें तो क्या है समय मापने की इकाई इसी प्रकार से आपका डे क्या है वीक क्या है मंथ क्या है समय मापने की इकाई है जो कि हम लोग कैलेंडर के माध्यम से क्या करते हैं सीखते हैं क्लियर चलिए तो हम लोग यहाँ पे कैलेंडर की अगर बात करें तो कैलेंडर के माध्यम से हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि किस प्रकार आपके समय का जो मेज़रमेंट है वो हम लोग करते हैं कैलेंडर की सहायता से या कैलेंडर की हेल्प से यहाँ पे हम लोग जो कैलेंडर पढ़ने वाले हैं वो होगा आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसका प्रतिपादन रोमन के थर्टीनथ पोप गेगोरी ने किया क्लियर इसके अलावा क्या कोई कैलेंडर होता है तो इसके पहले की अगर हम बात करें तो हम लोग जूलियन कैलेंडर को क्या किया करते थे फॉलो किया करते थे और अगर हम बात करें हमारे राष्ट्रीय पांचांग की तो हमारा राष्ट्रीय पांचांग क्या है शक संवत क्लियर कैलेंडर बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें यहाँ पे जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है तो हमें पढ़ना है यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर क्लियर चलिए तो हम अगर बात करें के ग्रेगोरियन कैलेंडर की तो ये आपका क्या करता है हर 400 वर्षों में यानी कि हर 400 वर्षों के बाद क्या कर जाता है रिपीट कर जाता है यानी कि पूरी की पूरी प्रक्रिया फिर से वहीं से आपकी स्टार्ट हो जाती है जैसे कि कैलेंडर की स्टार्टिंग में देखने को आपको मिलती है तो कुछ बेसिक बातों के बाद हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे जानेंगे कि सारी की सारी बातें जो आपका यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है वो कैसे और किस प्रकार हो रही हैं तो अगर हम बात करें चार सौ वर्षों की हमने कहा आपका कैलेंडर क्या कर जाता है प्रत्येक चार सौ वर्षों के बाद क्या कर जाता है रिपीट कर जाता है कैलेंडर का रिपीटेशन कितने वर्षों बाद होता है तो चार सौ वर्षों बाद क्या कर जाता है रिपीट कर जाता है क्लियर चलिए अगर हम बात करें कैलेंडर की 400 वर्षों के बाद क्या करा जाता है रिपीट कर जाता है या दोहराया जाता है चलिए तो इन 400 वर्षों की बात करें तो यहां पे सप्ताह कितने होंगे यानी कि यहां पे वीक कितने होंगे तो अगर हम यहाँ पे हफ्तों की संख्या देखें तो हफ्तों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे बीस हजार आठ सौ इकहत्तर क्या होंगे यहाँ पे वीक होंगे यानी कि सप्ताह और अगर हम बात करें यहाँ पे दिनों की संख्या की तो एक लाख छियालीस हजार सत्तानवे क्या होंगे दिन होंगे यानी कि डेज होंगे इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट कब कैसे और किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो हम लोग बिल्कुल डिटेल में हर एक बात को समझते हुए चलेंगे हर एक बात को जानते हुए चलेंगे इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अपने को पढ़ना क्या क्या है यहाँ पे चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे रिपीटिशन ऑफ मंथ रिपीटिशन ऑफ मंथ यानी कि महीने कब दोहराए जाएंगे फिर हम लोग पढ़ेंगे रिपीटिशन ऑफ ईयर वर्ष का कैलेंडर कब आपका दोहराया जाएगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यानी कि ईयर का कैलेंडर आपका सेम कब होगा गिवन डेट्स पे डे निकालना फाइंड डेज ऑन गिवन डेट्स फाइंड द डे ऑन गिवेन डेट्स यानि कि दी गई तिथि पे दिन ज्ञात करना ठीक है और इसके अलावा कुछ मिसलिनियस प्रकार के प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले यानी कि लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी हो गया फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी हो गया इन सभी बातों पे हम लोग क्या करेंगे बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे क्लियर चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ मंथ की लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कैलेंडर का जो कि क्या होता है आपका ऑर्ड डे से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट होता है तो अगर मैं बात करूँ आज यानी कि अगर हम बात करें टूडे यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपके फॉलो होंगे और डे के ही कॉन्सेप्ट को हम लोग दो तरीके से यहाँ पे यूज़ करते हैं कब किस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है उसको हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करेंगे तो जैसे हमने कहा आज और हमने कहा आज से दस दिन बाद आज से दस दिन बाद आफ्टर टेन डेज ठीक है इसी प्रकार हम बात करेंगे आज से पंद्रह दिन बाद इसी प्रकार हम बात करेंगे आज से बीस दिन बाद और इसी प्रकार हम बात करेंगे आज से पच्चीस दिन बाद कौन सा दिन होगा क्लियर इसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे आज से दस दिन पहले आज से पंद्रह दिन पहले आज से बीस दिन पहले आज से पच्चीस दिन पहले कौन सा दिन होगा सबसे पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं तो हमने कहा यदि हम मान लें आज कौन सा दिन है, है? हमने कहा मान लेते हैं आज है दिन सोमवार आज है दिन सोमवार फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो दिन हो जाएगा कौन सा मंगलवार फिर हम बात करें तो दिन कौन सा हो जाएगा बुधवार फिर हम बात करें तो दिन हो जाएगा आपका गुरुवार फिर हम बात करें तो दिन हो जाएगा आपका कौन सा शुक्रवार फिर हम बात करें तो दिन हो जाएगा आपका शनिवार और फिर आपका दिन आ जाएगा कौन सा रविवार क्लियर तो हमने कहा मान लेते हैं आज दिन कौन सा है हमने कहा मान लेते हैं आज दिन है मंडे यानी कि सोमवार क्लियर अब अगर मैं बात करूं सोमवार की यानी कि मंडे की और हमने कहा आज से दस दिन बाद कौन सा दिन होगा तो यानी कि हम अगर आज से दस दिन बाद की बात करें तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस यानी कि दस दिन बाद तो हम बात कर रहे हैं किसकी ग्यारहवें दिन की दस दिन बाद अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं किसकी ग्यारहवें दिन की और ध्यान दीजिए कि इसी दस, इसी दस को अगर हम क्या कर दिए होते इसी दस को हम डिवाइड कर दिए होते किससे सेवन से इसी दस को अगर हम क्या कर दिए होते सेवन से डिवाइड कर दिए होते सात से हम इसको भाग कर दिए होते तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए हम सात से भाग क्यों करते हैं यहाँ पे रिमाइंड रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट हम क्यों फॉलो करते हैं क्योंकि हफ्ते के जो आपके दिन होते हैं यानी कि वीक के जो आपके डेज होते हैं वो कितने होते हैं सेवन और सेवन डेज के बाद क्या होता है फिर से वही साइकिल आपकी दोहराई जाती है तो जब हम क्या करते हैं टेन को सेवन से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे एक बार तो ये कम्प्लीटली क्या हो जाता है डिविजिबल हो जाता है लेकिन जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता थ्री बचता रिमाइंडर बचता थ्री यानी कि हम क्या करते हैं आज से दस दिन बाद तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर हमारा थ्री बचा तो मंडे में हम क्या करेंगे तीन दिन जोड़ देंगे तो हमें आज से दस दिन बाद वाला दिन मिल जाएगा क्लियर इसी प्रकार यदि मैं बात करता आज से पंद्रह दिन बाद हमने कहा आज मंडे है तो सातवां दिन क्या हो जाएगा संडे हो जाएगा फिर चौदहवा दिन भी क्या हो जाएगा संडे हो जाएगा और अगर हम बात करें पंद्रहवें दिन की तो पंद्रहवाँ दिन हो जाएगा आपका मंडे और पूछा है पंद्रह दिन बाद आफ्टर फिफ्टीन डेज यानी कि सिक्सटीनथ डे की हम बात कर रहे हैं और सिक्सटींथ डे की हम बात करेंगे तो यानी कि हम पंद्रह को क्या करते हैं अगर यहाँ पे सात से भाग देते तो रिमाइंडर कितना बचता एक और हमको क्या कर देना था मंडे के बाद एक दिन जोड़ देना था यानी कि हमको आंसर क्या मिल जाता ट्यूसडे ठीक है इसी प्रकार हम बात करें यदि आज से बीस दिन बाद तो बीस दिन बाद की अगर हम बात करें चलिए आज से अगर हम 20 दिन बाद की बात करें तो जब इसको हम सात से भाग देंगे तो हमें पता है रिमाइंडर कितना बचेगा रिमाइंडर बचेगा आपका छः यानी कि हमें क्या कर देना था प्लस सिक्स कर देना था मंडे में तो मंडे में चाहे आप प्लस सिक्स करिए चाहे मंडे में आप क्या करिए माइनस वन करिए आपका दिन वही आएगा देखिए कैसे एक दो तीन चार पाँच छः यानी कि दिन मिला संडे और मंडे में एक माइनस करते तो भी दिन मिलता आपको क्या संडे तो रिमाइंडर का कब कहां किस प्रकार से यूज करना है इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो देखिए यह तो हो गया कब हमें दिनों की संख्या क्या कर लेनी होती है ऐड कर लेनी होती है ये हो गई बात हमें दिनों की संख्या क्या कर लेनी होती है? कब ऐड कर लेनी होती लेकिन अगर मैं बात करूं आज से बीसवा दिन ट्वेंटी डे ठीक है आज से बीसवा दिन की बात करेंगे तो वहाँ पे रिमाइंडर को हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे रिमाइंडर को हम लोग वहाँ पे ऐड नहीं करेंगे रिमाइंडर को हम लोग ऐड नहीं करेंगे अभी आप फिलहाल इतना समझिए कि हम लोग रिमाइंडर को ऐड क्यों करें क्योंकि हम पंद्रह दिन बाद वाले की बात करें यानी कि हम सोलहवें दिन की बात कर रहे हैं हम बीस दिन बाद यानी कि इक्कीसवें दिन की बात कर रहे हैं हम पच्चीस दिन बाद की यानी कि हम छब्बीसवें दिन की बात करेंगे तब तो वहाँ पे दिनों को क्या करेंगे हम जितना रिमाइंडर आएगा उसमें हम दिनों को ऐड करेंगे लेकिन अगर हम पच्चीसवें दिन की बात करते तो हम उसको ऐड नहीं करते उसको हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे वीक के वो दिन सप्ताह के वो दिन जो वीक की साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाए वही क्या होंगे आपके यहाँ पे फिर ऑड डे कंसिडर किए जाएंगे इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे जब हम लोग देखेंगे रिपीटिशन ऑफ मंथ दोनों ही तरीके से रिमाइंडर का यूज कैसे करना है कब करना है आपको सारी बातें वहाँ पे क्लियर होने वाली हैं तो अभी के लिए फिलहाल इतना समझिए कि जब आपको बोला जाए इतने दिनों बाद कौन सा दिन होगा या इतने दिनों पहले कौन सा दिन होगा अगर हम बात करें आज से दस दिन पहले कौन सा दिन होगा तो सात से भाग दिए तो रिमाइंडर बचा आपका तीन हमने कहा मान लेते हैं आज क्या है मंडे है तो आज से हमें देखना है दस दिन पहले कौन सा दिन था तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और दस दिन पहले की बात करें तो दिन कौन सा आ जाएगा बताओ तो दिन आ जाएगा यहाँ पे आपका फ्राइडे देखो कैसे एक दो तीन चार पाँच छः, सात आठ नौ दस और आज से दस दिन पहले कौन सा दिन आ जाएगा तो दिन आ जाएगा फ्राइडे मंडे में हमें क्या करना था तीन माइनस कर देना था मंडे में तीन माइनस करोगे तो संडे सैटरडे और फ्राइडे क्लियर आंसर क्या आ जाएगा आपका फ्राइडे यानी कि शुक्रवार आपको दिन मिल जाएगा ये हो गई कुछ बेसिक बातें क्लियर अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिपीटिशन ऑफ मंथ की यानी कि वर्ष के कौन कौन से ऐसे महीने होते हैं जिनका कैलेंडर क्या होता है समान होता है इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिपीटिशन ऑफ ईयर की कि आपके जो वर्ष का कैलेंडर है वो कितने वर्षों के बाद क्या किया जाएगा दोहराया जाएगा रिपीटिशन ऑफ ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है रिपीटिशन ऑफ ईयर का मतलब क्या होता है सारी बातों को हम लोग समझेंगे तो यहाँ तक की बातें क्लियर यदि आपसे पूछ लिया जाए चलिए हमने कहा आज से एक सौ छप्पन दिन बाद कौन सा दिन होगा यदि हमने कहा आज क्या है मंडे है आज से एक सौ छप्पन दिन बाद कौन सा दिन होगा तो हमें क्या करना था हमें यहाँ पे सात से डिवाइड करना था सात से डिवाइड करोगे तो ये दो बार में जाएगा बचेगा एक फिर सोलह को सात से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा दो यानी कि आज अगर मंडे है तो आज से एक सौ छप्पन दिन बाद कौन सा दिन होगा तो आंसर क्या आ जाएगा वेंसडे यानी कि बुधवार क्लियर तो ये हो गई बेसिक बातें हमें क्या करना है हमें यहाँ पे सात से डिवाइड करना है सात से डिवाइड क्यों करते हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पे वीक में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं सात होते हैं और सात दिनों के बाद वीक की साइकिल क्या हो जाती है कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिर से वही साइकिल आपकी क्या होगी शुरू होगी चलिए अब बात कर लेते हैं रिपीटिशन ऑफ मंथ की तो सबसे पहले हम रिपीटिशन ऑफ मंथ की बात करेंगे तो यहां पे हम दो तरीके के ईयर्स को कंसीडर करेंगे एक होगा आपका क्या लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष और एक होगा आपका क्या साधारण वर्ष एक हो जाएगा आपका क्या अधिवर्ष और एक हो जाएगा आपका क्या साधारण वर्ष यानी कि ऑर्डिनरी ईयर क्लियर एक हम बात करेंगे लीप ईयर की और एक हम बात करेंगे किसकी साधारण वर्ष की तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं किसकी सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं साधारण वर्ष की यानी कि ऑर्डिनरी ईयर की, ordinary year की. चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑर्डिनरी ईयर यानी कि साधारण वर्ष की और साधारण वर्ष में हमें पता है कि दिनों की संख्या कितनी होती है तो साधारण वर्ष में दिनों की संख्या होती है तीन फरवरी यहाँ पे क्या होता है अट्ठाईस दिनों का देखने को मिलेगा आपको क्लियर तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मंथ की तो मंथ आपके कौन कौन से होते हैं तो मंथ होता है आपका जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल, मई, जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर चलिए तो अगर हम बात करें महीनों की तो ये आपको महीने देखने को मिल रहे हैं अगर यहाँ पे हम बात करें कौन कौन से महीने आपके थर्टी वन डेज़ के होते हैं तो जनवरी आपका इकतीस का होगा मई होगा फिर उसके बाद आपका जुलाई अगस्त अक्टूबर और दिसंबर यानी कि अगर हम बात करें कौन कौन से महीने इकतीस दिन के होंगे तो जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर और दिसंबर क्या होंगे आपके 31 दिनों के महीने होंगे जबकि हम 30 दिनों के महीने की बात करें तो अप्रैल जून सितंबर और नवंबर क्या होंगे आपके 30 दिनों के महीने होंगे जबकि फरवरी क्या होगा आपका या तो 28 दिनों का होगा या तो 29 दिनों का महीना होगा क्लियर ये हो गई कुछ बेसिक बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए जो कि आपको याद होना चाहिए चलिए अब हम बात करेंगे रिपीटिशन ऑफ मंथ की यानी कि कौन से ऐसे महीने हैं जिनका कैलेंडर क्या होगा समान होगा तो समान कैलेंडर से क्या तात्पर्य है सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं तो समान कैलेंडर कहने का मतलब हमने कहा मान लेते हैं जनवरी हमने कहा मान लेते हैं कि जनवरी की एक तारीख को दिन कौन सा मिला सोमवार मिला जनवरी की एक तारीख को दिन कौन सा मिला सोमवार मिला तो उसी प्रकार अक्टूबर की भी एक तारीख़ को दिन कौन सा मिला सोमवार मिला अक्टूबर की भी एक तारीख को दिन कौन सा मिला सोमवार मिला इट मीन्स जनवरी की दो तारीख को अगर क्या होगा दिन मंगलवार होगा तो अक्टूबर की भी दो तारीख को दिन कौन सा होगा मंगलवार होगा तीन तारीख को यहाँ पे क्या होगा बुधवार होगा तो तीन तारीख को यहाँ पे भी क्या होगा बुधवार होगा पंद्रह तारीख को यहाँ पे जो दिन होगा वही दिन यहाँ पे पंद्रह तारीख को होगा बीस तारीख को जो दिन यहाँ होगा वही दिन यहाँ पे बीस तारीख को देखने को मिलेगा तो रिपिटिशन ऑफ कैलेंडर का मतलब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से महीनों का कैलेंडर क्या करता है रिपीट करता है यानी कि दो ऐसे महीने जिनकी शुरुआत क्या हो सेम डे से हो वो डेफिनेटली क्या करेंगे उन मंथ का कैलेंडर आपका सेम होने वाला है तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकली बेसिक बातें यहाँ पे सीखेंगे साथ ही साथ नोट करके उसको लिखेंगे भी कि कौन कौन से महीने का कैलेंडर क्या होता है सेम होता है चलिए तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि अगर जनवरी में दिन कितने होते हैं इकतीस जनवरी में दिन होते हैं कितने इकतीस और अगर हम बात करें यहाँ पे रिमाइंडर की या हम बात करें यहाँ पे ऑड डेज की तो ऑड डेज यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम जब इसको हम सात से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा तीन बचेगा रिमाइंडर कितना बचेगा तीन बचेगा तो हमने कहा मान लेते हैं कि जनवरी की शुरुआत किससे हुई है मंडे से हुई हमने कहा मान लेते हैं जनवरी की शुरुआत एक जनवरी की शुरुआत किससे हुई है मंडे से हुई है और यहाँ पे रिमाइंडर मिला है तीन रिमाइंडर मिला हमको कितना इट मींस फरवरी की शुरुआत कहां से होगी तो मंडे में प्लस थ्री करेंगे तो मिल जाएगा अपने को थर्सडे और जब हम बात करेंगे इकतीसवें दिन की यानी कि अगर हम बात करें यहां पे जनवरी के लास्ट डे यानी कि लास्ट डे ऑफ अगर हम जनवरी की बात करें इकतीसवें दिन की बात करें तो मैंने कहा था हम लोग इसको कैसे कंसीडर करेंगे हफ्ते के वो दिन जो वीक की साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाए मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, ठीक है हमने कहा अगर इकतीसवें दिन की बात करेंगे तो इसका मतलब ऑड डेज़ का मतलब क्या हो जाएगा कि हफ़्ते के वो दिन जो वीक की साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाए वीक की साइकिल का मतलब क्या कि हफ़्ते के सातों दिन आपके एक एक बार आ जाए जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे एक वर्ष की यानी कि एक वर्ष में अगर हम बात करें दिन कितने होते हैं तो होते हैं तीन सौ पैंसठ की अगर हम बात करें तो चलिए इसको हम अभी सीखेंगे यहाँ पे बताएंगे बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स आप जानने को आपको मिलेंगे कि तीन को जब हम सात से भाग देंगे तो बावन तो ये क्या हो जाएगा कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा बावन बार और यहाँ पर रिमाइंडर आपका बचेगा एक इसका मतलब क्या है इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे और बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं क्लियर चलिए तो अब अगर मैं बात करूँ मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे तो हमने कहा अगर इकतीसवें दिन की बात करेंगे तो मंडे की साइकिल बताओ कंप्लीट कहाँ पे होगी तो मंडे की साइकिल कंप्लीट होगी संडे पे और जब हम बोलते हैं रिमाइंडर कितना बच रहा है तीन बच रहा है इट मींस तीन का मतलब क्या कि हफ्ते के तीन दिन ऐसे होंगे जो वीक की साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और यानी कि लास्ट डे आपको क्या मिलेगा वेंसडे मिलेगा किसका जनवरी का इट मीन्स कि इसकी शुरुआत कहाँ से होगी तो इसकी शुरुआत होगी कहाँ से थर्सडे से और हम बात किसकी कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ऑर्डनरी ईयर की यानी कि फरवरी कितने दिनों की होगी तो फरवरी होगी आपकी अट्ठाईस दिनों की अट्ठाइस दिनों का मतलब कि फरवरी में रिमाइंडर जीरो मिलेगा ज़ीरो मिलेगा इट मीन्स कि अगर शुरुआत इसकी थर्सडे से हुई है तो ख़त्म कहाँ पे होगा ज़ीरो का मतलब कि वीक का कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ जो कि वीक की साइकिल को कंप्लीट ना कर सके इट मींस अगर शुरुआत आपने करी है थर्स डे से तो खत्म कहां पे होगा ये वेंसडे पे खत्म होगा यानी कि हफ्ते के सातों दिन क्या होंगे एक एक बार आ जाएंगे क्लियर चलो इसको समझ ही लेते हैं थोड़ा सा आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि वीक की साइकिल का मतलब यहां पर क्या है देखो जब हम बात करते हैं किसी वर्ष की बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसी वर्ष की यानी कि हम वर्ष में दिन कितने होते हैं बताओ तीन सौ पैंसठ तीन सौ पैंसठ को जब हम सात से विभाजित करते हैं तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिलता है क्या बावन इस बावन का मतलब क्या हुआ इस फिफ्टी टू का मतलब क्या हुआ और यहाँ पे हमारे पास ऑड डेज बचते हैं वन इस वन का मतलब क्या हुआ क्लियर तो अगर मान लेते हैं हम वर्ष दो हजार एक मान लेते हैं हम वर्ष 2001 क्या है आपका एक ऑर्डिनरी ईयर क्लियर अगर हमने कहा वर्ष 2001 की शुरुआत किससे हुई मंडे से वर्ष 2001 की शुरुआत किससे हुई मंडे से हुई फिर आएगा आपका ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे क्लियर अब वर्ष 2001 की शुरुआत हुई मंडे से तो डेफिनेटली सात तारीख को क्या पड़ेगा यहाँ पे सात तारीख को आपका पड़ेगा संडे उसके बाद यहाँ पे चौदह तारीख को क्या पड़ेगा संडे फिर इक्कीस तारीख को क्या पड़ेगा संडे इस प्रकार से सात 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 की साइकिल कितनी बार चलेगी तो सात की साइकिल चलेगी फिफ्टी टू टाइम्स यानी कि हफ्ते के सारे के सारे दिन कितनी बार आ जाएंगे तो हफ्ते के सारे के सारे दिन कम से कम कितनी बार आ जाएंगे बावन बार आ जाएंगे किसी भी साधारण वर्ष में और बचेगा एक एक मतलब वर्ष का अंतिम दिन वर्ष का अंतिम दिन यानी कि ये साइकिल कितनी बार कंप्लीट हो रही है साइकिल कंप्लीट हो रही है आपकी 52 टू टाइम्स यानी कि वीक के सारे दिन कितनी बार आ रहे हैं बावन बार आ रहे हैं और एक ऐसा दिन होगा जो कि कितनी बार आएगा तिरपन बार आएगा और वो दिन कौन सा होगा तो वो दिन होगा जिस दिन वर्ष की क्या हुई शुरुआत हुई यानी कि अगर आप कैलेंडर उठा के देखेंगे तो किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों आपको क्या देखने को मिलेगा समान देखने को मिलेगा यानी कि जो ईयर का फर्स्ट डे होता है वही क्या होता है ईयर का लास्ट डे होता है आप में से कितने लोगों को यह बात पता थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लियर यानी कि एक यहां पे क्या मिला रिमाइंडर मिला तो एक दिन ऐसा हुआ जो कि वीक की साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाया बाकी सारे के सारे क्या आ गए 52 टाइम्स आ गए और एक दिन जो वीक की साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाया वही क्या किया 53 टाइम्स आया क्लियर अब जब हम बात करेंगे अगले वर्ष की शुरुआत यानी हम बात करेंगे वर्ष 2002 की जब हम बात करेंगे वर्ष 2002 की तो इसी रिमाइंडर को हम क्या करते हैं जिस दिन से शुरुआत हुई थी उसमें एक दिन जोड़ लेते हैं तो उसको वो हमें मिल जाता है अगले वर्ष का प्रथम दिन यानी कि अगले वर्ष की शुरुआत का प्रथम दिन तो दोनों ही प्रकार के यहाँ पे अपने पास लॉजिक है रिमाइंडर को कब यहाँ पे इस प्रकार से कंसीडर करना है कि वीक की साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाया और रिमाइंडर को कब ऐड करके कंसीडर करना है जब हम अगले की बात करेंगे तो हम ऐड करेंगे जब हम उसी वर्ष या उसी महीने के या उस पर्टिकुलर दिन की बात करेंगे यानी कि हम तीन दिन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मंडे लेकिन जब हम बात करेंगे तीन दिनों के बाद यानी कि अगले वर्ष की शुरुआत किससे होगी तो हो जाएगी ट्यूजडे से क्लियर तो यहाँ पे भी हम इसी कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे फॉलो करेंगे यानी कि रिमाइंडर बचा तीन तो अगर हम बात करेंगे इकतीसवें दिन की यानी कि जनवरी का लास्ट डे क्या होगा तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे क्या हो जाएगा वेंसडे लेकिन हम बात करेंगे फरवरी की शुरुआत की तो फरवरी की शुरुआत किससे हो जाएगी थर्सडे से यानी कि प्लस थ्री कर देंगे मंडे में इसी प्रकार अगर हम बात करें फरवरी का रिमाइंडर कितना या जीरो यानी कि वीक का कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ जो वीक की साइकिल को कंप्लीट ना कर पाए यानी कि अगर हम शुरुआत करते हैं थर्सडे से तो बताओ वीक की साइकिल कंप्लीट कहाँ होगी यानी कि सातों दिन कहां पे पूरे होंगे तो देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात यानी कि एक भी दिन ऐसा नहीं था जो वीक की साइकिल को कंप्लीट ना कर पाए इट मींस फरवरी का लास्ट डे क्या हो जाएगा फरवरी का लास्ट डे हो जाएगा आपका वेंसडे इट मीन्स मार्च की शुरुआत किससे हो जाएगी मार्च की शुरुआत भी हो जाएगी सेम डे से क्लियर और मार्च का रिमाइंडर कितना आता है तो मार्च का रिमाइंडर आता है तीन यानी कि थर्सडे से हम क्या करेंगे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मार्च का लास्ट डे क्या हो जाएगा सैटरडे और थर्सडे में तीन जोड़ोगे तो वो हो जाएगा अप्रैल की शुरुआत यानी कि चार प्लस तीन करोगे सात यानी कि संडे अप्रैल का रिमाइंडर कितना आएगा अप्रैल का रिमाइंडर आएगा दो तो संडे प्लस टू कर दोगे तो कितना आ जाएगा ट्यूसडे आ जाएगा मे का रिमाइंडर आ जाएगा तीन तो ट्यूसडे प्लस थ्री कर, तो दो तो कर दोगे तो कितना आ जाएगा फ्राइडे आ जाएगा जून का रिमाइंडर होगा दो तो फ्राइडे प्लस टू कर दोगे तो कितना आ जाएगा संडे आ जाएगा जुलाई का रिमाइंडर होता है तीन संडे प्लस तीन कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा वेंसडे आ जाएगा अगस्त का रिमाइंडर होता है तीन तो वेंसडे प्लस तीन कर दोगे तो कितना आ जाएगा सैटरडे आ जाएगा सितंबर का रिमाइंडर होता है दो तो सैटरडे प्लस दो कर दोगे तो कितना आ जाएगा मंडे आ जाएगा अक्टूबर का रिमाइंडर होता है तीन तो मंडे प्लस तीन कर दोगे तो कितना आ जाएगा थर्सडे आ जाएगा और नवंबर का रिमाइंडर होता है दो थर्सडे प्लस दो कर दोगे यानी कि क्या आ जाएगा चार दो छः यानी कि सैटरडे क्लियर अब हम बात कर लेते हैं कि वर्ष में किन किन महीनों का कैलेंडर क्या होता है समान होता है चलिए अब हम बात कर लेते हैं वर्ष में किन किन महीनों का कैलेंडर क्या होता है समान होता है तो समान कैलेंडर का मतलब क्या अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जनवरी की तो जनवरी की शुरुआत हो रही है मंडे से तो आपको यहाँ पे देखना है वो कौन सा महीना है जिसकी शुरुआत मंडे से हो रही है तो आप क्लियरली देख सकते हैं अक्टूबर की शुरुआत भी किससे हो रही है मंडे से हो रही है इट मीन्स I mean हम कह सकते हैं कि जनवरी का कैलेंडर और अक्टूबर का कैलेंडर जनवरी का कैलेंडर और अक्टूबर का कैलेंडर किसी भी साधारण वर्ष में क्या हो जाएगा समान हो जाएगा यानी कि आपको समान कैलेंडर देखने को मिलेगा इसी प्रकार यदि मैं बात करूं फरवरी की तो फरवरी की शुरुआत हो रही थर्सडे से मार्च की भी शुरुआत हो रही थर्सडे से तो आप कहोगे सर फरवरी में तो 28 दिन हो रहे हैं मार्च में इकतीस दिन हो रहे हैं लेकिन ध्यान दीजिए जब तक ये चलेगा यानी कि 28 दिनों तक अगर हम बात करें मार्च की और 28 दिनों तक हम बात करें फरवरी की तो दोनों का कैलेंडर क्या होगा समान होगा और इसी प्रकार अगर हम बात करें यह हो गया आपका फरवरी ये हो गया आपका मार्च और इसी प्रकार अगर हम बात करें तो नवंबर इन तीनों महीनों का कैलेंडर क्या देखने को मिल रहा है तो इन तीनों महीनों का कैलेंडर आपको समान देखने को मिल रहा है यानी कि यहां पे कोई भी परिवर्तन नहीं है यानी कि इन तीनों के तीनों महीनों का कैलेंडर क्या हो जाएगा समान हो जाएगा इसी प्रकार अगर हम बात करें अप्रैल की तो अप्रैल का कैलेंडर और जुलाई का कैलेंडर आपको क्या देखने को मिलेगा सेम मिलेगा अप्रैल का कैलेंडर और जुलाई का कैलेंडर आपको क्या देखने को मिलेगा समान देखने को मिलेगा और इसी प्रकार हम बात करें सितंबर का कैलेंडर और दिसंबर का कैलेंडर भी आपको क्या देखने को मिलेगा समान देखने को मिलेगा क्लियर यानी कि सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर भी क्या होगा समान होगा आप इसको गूगल करके देख सकते हैं आप इसको किसी कैलेंडर में देख सकते हैं यानी कि हम बात करें चौदह सितंबर को जो दिन होगा वही दिन आपको चौदह दिसंबर को भी देखने को मिलेगा पंद्रह अगर हम बात करें सितंबर को जो दिन होगा वही दिन आपको कहाँ देखने को मिलेगा पंद्रह दिसंबर को या हम कह सकते हैं पंद्रह अप्रैल को जो दिन होगा वही दिन आपको कहाँ मिलेगा पंद्रह जुलाई को मिलेगा पंद्रह फरवरी को जो दिन होगा वही दिन आपको पंद्रह मार्च को मिलेगा वही दिन आपको पंद्रह नवंबर को मिलेगा किसमें साधारण वर्ष में ये आपका लीप ईयर में भी सेम मिलेगा क्यों मिलेगा इसके बारे में चर्चा करते हैं चलिए अब क्या सवाल ये उठता है कि एग्जाम में यदि हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स हैव सेम कैलेंडर इन द गिवन ईयर ठीक है आपको ईयर दे सकता है लीप ईयर दे सकता है और ईयर दे सकता है तो क्या हम इतनी प्रक्रिया वहां पे फॉलो करेंगे तब हम आंसर निकालेंगे या हम इसको रट्टा मारेंगे तब हम आंसर निकालेंगे तो ना तो आपको रट्टा मारना है ना तो आपको इतनी प्रक्रिया फॉलो करना है क्लियर मान लेते हैं आपसे बोल दिया विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ हैव सेम कैलेंडर एज अप्रैल मान लेते हैं आपको बोल दिया विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ हैव सेम कैलेंडर एज अप्रैल इन द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ठीक है यानी कि दिए गए वर्ष में वर्ष दो हजार तेईस में कौन से महीने का कैलेंडर अप्रैल के क्या होगा समान होगा तो हमें क्या करना है देखिए हमें पता है अप्रैल का रिमाइंडर कितना आएगा दो मई का रिमाइंडर कितना आएगा तीन जून का रिमाइंडर कितना आएगा दो यानी कि जहाँ पे ये सात की साइकिल कंप्लीट होगी उसके बाद वाले मंथ का कैलेंडर क्या हो जाएगा समान हो जाएगा देखिए दो प्लस तीन करोगे पाँच पाँच प्लस दो करोगे सात सात की साइकिल कंप्लीट मतलब हफ्ते के सारे दिन क्या हो गए एक एक बार आ गए यानी कि फिर से शुरुआत कहाँ से होगी वहीं से होगी यानी कि जहाँ से हमने शुरुआत करी थी इट मीन्स कि अगर हम बात करें अप्रैल मे जून तो जुलाई का कैलेंडर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा ठीक है एक तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है दूसरा आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द मंथ्स हैव सेम कैलेंडर यानी कि आपको मंथ्स के पेयर बना के दे देगा और पूछ लेगा दिए गए महीनों में से किन महीनों के कैलेंडर क्या है समान है तो वहां पे क्या करेंगे आप तो वहां पे आप ऑप्शन पिक करके कर सकते हैं जैसे आपको दे दिया मार्च और नवंबर जनवरी और जुलाई अगस्त और सितंबर ठीक है इस प्रकार से आपको कुछ कुछ विकल्प दे देगा तो आपको क्या करना अगर आप मार्च से शुरुआत करते हैं तो मार्च का रिमाइंडर कितना होता है तीन अप्रैल मई, जून जुलाई अगस्त अगर इसका सम सेवन से डिविजिबल है इट मीन्स कि आने वाले मंथ का कैलेंडर क्या होगा सेम होगा चेक कर लेते हैं तीन दो पाँच तीन आठ दो दस मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर भी लेना है अक्टूबर भी लेना है फिर आएगा नवंबर ठीक है तो तीन दो पाँच तीन आठ दो दस तीन तेरह तेरह तीन सोलह सोलह दो अट्ठारह अट्ठारह तीन इक्कीस मतलब क्या हुआ इक्कीस सेवन से कम्प्लीटली डिविजिबल है इसका मतलब आने वाले महीने का कैलेंडर सेम होगा तो आंसर क्या लगा देंगे हम मार्च और नवंबर बाकी के महीने की बात करें तो देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जून सब का सम करेंगे तो तीन तीन छः दो आठ तीन ग्यारह दो तेरह यानी कि ये सेवन से डिविजिबल नहीं है इसका मतलब इसके बाद आने वाले महीने कैलेंडर सेम नहीं होगा अगस्त की बात करें तो तीन और अगस्त के बाद सितंबर ही आता है तो यानी कि तीन है तो सी बात यहाँ पे कैलेंडर रिपीट नहीं करेगा तो इसको निकालने का तरीका भी मैंने बता दिया कैसे वर्क कर रहा है वो भी मैंने बता दिया अब हम बात कर लेते हैं किसकी लीप ईयर की अब हम बात कर लेते हैं लीप ईयर में किन किन महीनों का कैलेंडर क्या करेगा रिपीट करेगा तो लीप ईयर की अगर मैं बात करूं जनवरी फेब्रवरी मार्च अप्रैल, मई, जून जुलाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर लीप ईयर में चेंज आपको केवल और केवल कहां देखने कि केवल 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 तो बाकी के महीनों में कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा क्लियर क्यों नहीं मिलेगा इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जनवरी के रिमाइंडर की हम बात करें तो जनवरी का रिमाइंडर हो गया तीन इस बार मैं दिन लिख के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि डायरेक्टली हमें कैसे पता करना है कि कौन कौन से महीनों का कैलेंडर सेम होगा हम केवल और केवल क्या करेंगे और डेज को चेक करेंगे जहाँ पे सेवन से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे मतलब कि वीक की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी इसका मतलब आगे की शुरुआत फिर वहीं से होगी जहाँ से शुरुआत की गई थी फेब का रिमाइंडर हो जाएगा एक मार्च का रिमाइंडर हो जाएगा तीन अप्रैल का रिमाइंडर हो जाएगा दो मई का रिमाइंडर हो जाएगा तीन जून का रिमाइंडर हो जाएगा दो जुलाई का रिमाइंडर हो जाएगा तीन अगस्त का रिमाइंडर हो जाएगा तीन सितंबर का रिमाइंडर दो अक्टूबर का रिमाइंडर तीन नवंबर का रिमाइंडर दो और दिसंबर का रिमाइंडर तीन चलिए अब मान लेते हैं अगर हमने कहा जनवरी की शुरुआत किससे हुई मंडे से हुई तो हमने कहा बताओ जनवरी खत्म कहां पे होगी तो आपने कहा वीक के तीन ऐसे दिन होंगे जो वीक की साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे यानी कि मंडे ट्यूसडे और वेंसडे क्यों क्योंकि हम बात करें इकतीसवें दिन की ना कि इकतीस दिन बाद क्लियर तो यहाँ पे खत्म होगा ये वेंसडे पे तो ऑब्वियस सी बात इसकी शुरुआत किससे हो जाएगी थर्सडे से होगी लेकिन अब इस बार यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है एक तो अगर हम बात करें अट्ठाईसवां दिन क्या हो जाएगा आपका वेंसडे हो जाएगा यानी कि अट्ठाईसवां दिन पे आपकी वीक की साइकिल कंप्लीट हो रही है यानी कि उनतीसवें दिन की शुरुआत फिर से किससे हो जाएगी थर्सडे से हो जाएगी, जाएगी यानी कि वीक का एक ऐसा दिन होगा जो वीक की साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा और वो दिन कौन सा होगा तो वो दिन होगा आपका थर्सडे यानी कि फरवरी के हम लास्ट डे की बात करें तो क्या देखने को मिलेगा आपको थर्सडे देखने को मिलेगा इट मीन इस बार इसकी शुरुआत किससे होगी फ्राइडे से होगी इस बार मार्च की शुरुआत किससे होगी फ्राइडे से होगी और यहां पे फ्राइडे है तो प्लस थ्री करोगे तो शुरुआत मिल जाएगी आपको अप्रैल की और अगर हम बात करें यहां पे तीन ऐसे दिन तो फ्राइडे सैटरडे संडे जो कि क्या होगा मार्च का अंतिम दिन होगा ठीक है तो हम यहां पे अगर देखें तो अप्रैल की शुरुआत किससे हो जाएगी तो फ्राइडे प्लस थ्री करोगे यानी कि मंडे फिर मंडे प्लस टू करोगे तो कितना आ जाएगा वेंसडे और वेंसडे प्लस थ्री करोगे तो कितना आ जाएगा सैटरडे सैटरडे प्लस टू करोगे तो कितना आ जाएगा मंडे मंडे प्लस थ्री करोगे तो कितना आ जाएगा थर्सडे थर्सडे प्लस थ्री करोगे तो कितना आ जाएगा संडे संडे प्लस टू करोगे तो कितना आ जाएगा ट्यूजडे ट्यूजडे प्लस थ्री करोगे तो कितना आ जाएगा फ्राइडे और फ्राइडे प्लस टू करोगे तो कितना आ जाएगा संडे क्लियर अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे किन किन महीनों का कैलेंडर क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है तो आप क्लियरली देख सकते हैं तीन एक चार तीन सात यानी कि सात से साइकिल कंप्लीटली सात की साइकिल कंप्लीट हो गई यानी कि वीक के सारे दिन एक एक बार आ गए और सात से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया इसका मतलब इसके अगले महीने की शुरुआत होगी सेम डे से यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर क्या हो रहा है सेम हो रहा है जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर क्या हो रहा है सेम हो रहा है क्या किसी और महीने की शुरुआत यहाँ पे मंडे से हो रही तो आप देखेंगे कि जुलाई का कैलेंडर भी क्या है सेम है क्लियर यानी कि जनवरी अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर क्या है सेम है मैंने कहा चेंज आपको केवल कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा तो चेंज आपको देखने को मिलेगा जनवरी और फरवरी में फरवरी की बात करें तो फरवरी और अगस्त का कैलेंडर क्या हो रहा है सेम हो रहा है फरवरी और अगस्त का कैलेंडर क्या हो रहा है सेम हो रहा है कैसे आपने चेक किया तो देखिए एक प्लस तीन चार प्लस दो छः प्लस तीन नौ प्लस दो ग्यारह प्लस तीन चौदह यानी कि सात से कंप्लीटली डिविजिबल इसके बाद की शुरुआत सेम डे से MDC हो जाएगी जबकि आप बाकी के महीनों को देखेंगे तो मार्च का कैलेंडर नवंबर में रिपीट कर रहा था तो यहाँ पे भी मार्च का कैलेंडर किसमें रिपीट कर रहा है नवंबर में रिपीट कर रहा है अप्रैल का कैलेंडर कहाँ रिपीट कर रहा था जुलाई में कर रहा था तो अप्रैल का कैलेंडर जुलाई में रिपीट कर रहा है यानी कि बाकी के महीनों में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा जो कि आप यहाँ देख सकते हैं अप्रैल का कैलेंडर कहाँ रिपीट कर रहा है जुलाई में रिपीट कर रहा है सेप्टेंबर का कैलेंडर कहाँ रिपीट कर रहा है दिसंबर में रिपीट कर रहा है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेप्टेंबर का कैलेंडर और दिसंबर कैलेंडर क्या है सेम है यानी कि परिवर्तन केवल और केवल कहाँ देखने को मिलेगा आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको केवल और केवल फरवरी और जनवरी के, के कैलेंडर में रीज़न क्या था क्योंकि यहाँ पे आपका जो नंबर था पूरी की पूरा इक्वेशन यहाँ पे आपको चेंज होने को दिख रही है लेकिन बाकी के नंबर्स आपके नीचे वाले क्या हैं समान है यानी कि वहां पे कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा तो ये हो गई बात किससे रिलेटेड ये हो गई बात आपका रिलेटेड रिपीटिशन ऑफ मंथ से यानी कि वर्ष में किन किन महीनों का कैलेंडर क्या होगा समान होगा अब हम बात करेंगे यहां पर रिपीटिशन ऑफ ईयर की अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिपीटिशन ऑफ ईयर की कि किन किन वर्षों का कैलेंडर क्या होगा समान होगा चलिए अगला हेडिंग आप लोग डालेंगे रिपीटिशन ऑफ ईयर तो रिपीटिशन ऑफ ईयर की अगर हम बात करें तो यहां पे भी हम बात करेंगे सबसे पहले लीप ईयर की चलिए यहां पे लिख देता हूं बात करेंगे हम लोग यहां पे लीप ईयर की फिर हम बात करेंगे लीप ईयर प्लस वन की फिर हम बात करेंगे लीप ईयर प्लस टू की फिर हम बात करेंगे लीप ईयर प्लस थ्री की और इसके बाद हमें फिर से क्या देखने को मिलेगा इसके बाद हमें फिर से देखने को मिलेगा लीप ईयर चलिए तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन से वर्ष का कैलेंडर क्या करता है कब कब रिपीट करता है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे वर्ष ले लेते हैं 2001 शुरुआत हम करते हैं किससे वर्ष 2001 से फिर हम बात करेंगे वर्ष 2002 की वर्ष 2003 की वर्ष 2004 की वर्ष 2005 की वर्ष 2006 की वर्ष 2007 की वर्ष 2008 वर्ष 2009 वर्ष 2010 इसी प्रकार हम बात करेंगे वर्ष 2011 की वर्ष 2012 की वर्ष 2013 की वर्ष 2014 की वर्ष 2015 की फिर वर्ष 2016 वर्ष 2017 2018 2019 2020 2021 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 और 2030 चलिए क्यों लिखा चाहूँ तो इसको मैं आपको हार्डली एक मिनट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको बस नंबर लिख दूं और बोलूं कि इसको आप लोग रट लीजिए इतने इतने वर्षों बाद क्या करेगा इन इन ईयर्स का कैलेंडर रिपीट करेगा ठीक है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ज़रा सा भी डाउट हुआ ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न हुआ तो कहीं ना कहीं एक एक, एक आपका जो क्वेश्चन है आपके सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका क्या करेगा अदा करेगा और कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट पता है तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़रूर लग सकता है लेकिन आप कॉन्सेप्ट पता है तो आपको चीज़ें याद भी रहने वाली हैं दोनों बातें हैं लेकिन आप केवल रट्टा मारोगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में कंफ्यूज होने वाले हैं कि 11 था 6 था 28 था क्या था तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है तो यहाँ पे हम लोग विद रीजन समझने का प्रयास करेंगे तो हमने कहा वर्ष 2001 की शुरुआत अगर किससे हुई मान लेते हैं मंडे से हुई वर्ष 2001 की शुरुआत अगर हम मान लेते हैं किससे हुई मंडे से हुई सोमवार से, से हुई तो वर्ष दो का जो अंतिम दिन होगा वो भी क्या होगा आपका मंडे ही होगा इधर लिखता हूं मैं दिन को हमने कहा वर्ष 2001 की शुरुआत किससे हुई अगर मंडे से हुई तो बताओ वर्ष 2001 का अंतिम दिन भी क्या होगा मंडे होगा क्यों क्योंकि क्यों पे रिमाइंडर कितना मिलेगा एक मिलेगा रिमाइंडर यहाँ पे हमें कितना मिलेगा एक मिलेगा और हमें पता है ऑर्डिनरी ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे दोनों क्या होता है सेम होता है अभी अभी इस पे हम लोगों ने चर्चा करी थी यानी कि बावन बार आपके क्या आएंगे वीक के सारे दिन आएंगे और एक दिन ऐसा होगा यानी कि जिस दिन से क्या हुई थी वर्ष की शुरुआत हुई थी वह दिन कितनी बार आएगा तो वह दिन आपका आएगा तिरपन बार यानी कि फिफ्टी थ्री टाइम्स तो मंडे ऑबियस सी बात है मंडे से अगर हमने कहा शुरुआत हुई है और एक्चुअल में भी मंडे से ही शुरुआत हुई है वर्ष दो हजार एक की तो वर्ष दो हजार एक की अगर हम बात करें तो वर्ष दो हजार एक का जो अंतिम दिन था वो क्या था आपका मंडे क्लियर रिमाइंडर एक बचा यानी कि अगले अगर हम वर्ष की बात करें तो अगले वर्ष की कि शुरुआत किससे होगी तो अगले वर्ष की शुरुआत किससे हो जाएगी ट्यूज़डे से और यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना मिलेगा एक मिलेगा अब एक का मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ख़त्म किससे हुआ ट्यूसडे से हुआ तो अगले की शुरुआत किससे हो जाएगी वेंसडे से हो जाएगी और यहाँ भी रिमाइंडर मिलेगा एक अगले की शुरुआत किससे हो जाएगी थर्सडे से हो जाएगी और यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा अपने को कितना दो क्यों क्योंकि वर्ष 2004 क्या है आपका एक लीप ईयर है अब थोड़ा सा यहां पे भी हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जब हमने आपसे कहा जब हमने कहा लीप ईयर यानी कि ऑर्डनरी ईयर में तो आपको पता है कि ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है सेम होता है लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी लीप ईयर की यानी कि तीन दिनों की तीन दिनों की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा मान लेते हैं वर्ष की शुरुआत चलो इस बार मंडे से नहीं अब तक आपका कंसेप्ट थोड़ा सा पक्का हो चुका है तो हमने कहा शुरुआत हुई वेंसडे से फिर पढ़ा क्या थर्सडे फिर पढ़ा क्या फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे और ट्यूसडे क्लियर यानी कि हफ्ते के सातों दिन यहाँ पे लिखे हुए हैं हमने कहा मान लेते हैं शुरुआत हुई किससे वेंसडे से तो एक तारीख को वेंसडे और सात तारीख को ट्यूसडे तो चौदह तारीख को भी क्या हो गया ट्यूसडे हो गया फिर उसके बाद आपका इक्कीस तारीख को भी ट्यूज़डे हो गया अट्ठाईस को भी ट्यूज़डे हो गया फिर प, आ, मतलब नेक्स्ट मंथ की अगर हम बात करें या अट्ठाईसवां दिन आपका ट्यूज़डे हो गया फिर पैंतीसवां दिन भी क्या हो जाएगा ट्यूज़डे हो जाएगा फिर इसी तरीके बयालीसवाँ दिन भी क्या हो जाएगा ट्यूज़डे हो जाएगा और अगर हम बात करें आपका तीन दिन तीन दिन भी क्या हो जाएगा आपका ट्यूज़डे हो जाएगा यानी कि अगर इसको आप सात से भाग देते हैं तो 52 तो आपका कंप्लीटली क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा 52 टू टाइम्स और दो बचेगा आपका रिमाइंडर यानी कि दो दिन ऐसे हुए जो वीक की साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाए एक तारीख को अगर आपका यहां पे क्या पड़ रहा है वेंस डे पड़ रहा है तो तीन दिन यानी कि तीस दिसंबर एक जनवरी को अगर हमने कहा कि बुधवार से शुरुआत हुई तो तीस जनवरी को भी क्या पड़ेगा बुधवार पड़ेगा और अगर हम बात करें सॉरी तीस दिसंबर को भी क्या पड़ेगा बुधवार पड़ेगा और इकतीस दिसंबर की अगर हम बात करें तो क्या पड़ेगा गुरुवार पड़ेगा क्लियर यानी कि अगर हम बात करें लीप ईयर में तो लीप ईयर में जिस दिन से शुरुआत होती है वर्ष की उसके अगले दिन क्या होता है वर्ष खत्म होता है और इस पर आधारित क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किसी भी वर्ष में तिरपन बार शुक्रवार आने की संभावना कितनी हो सकती है फिफ्टी थ्री टाइम्स फ्राइडे आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है तो देखो यहां पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक तारीख को अगर मान लो आपका क्या पड़ा फ्राइडे पड़ा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका तीस दिसंबर यानी कि एक जनवरी को अगर आपका फ्राइडे पड़ा तो तीस दिसंबर को लीप ईयर की बात कर रहा हूं तीस दिसंबर को आपका क्या पड़ेगा फिफ्टी थर्ड फ्राइडे पड़ेगा आपका उस दिए गए वर्ष में ठीक है और अगर आपका दो जनवरी को क्या पड़ा फ्राइडे पड़ा यानी कि दो जनवरी से अगर फ्राइडे की शुरुआत हुई तो हम बात करें इकतीस दिसंबर को आपका क्या पड़ेगा फिफ्टी थर्ड फ्राइडे पड़ेगा यानी कि तिरपनवा शुक्रवार पड़ेगा उस दिए गए वर्ष में इसके अलावा कोई संभावना नहीं है कि उस दिए गए वर्ष में आपका तिरपन बार क्या आ जाए शुक्रवार आ जाए तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आप कैलेंडर का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इतना समझते हैं कि गिवन डेट पे डे निकालना सीख गए हैं कोड रट के और कैलेंडर ख़त्म तो कैलेंडर इसके आगे भी बहुत सारी बातें हैं कैलेंडर में जानने के लिए ठीक है चलिए तो आई होप कि यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी यानी कि जब हम बात करेंगे लीप ईयर की जब हम बात करेंगे दो ऑट डेज़ की तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जिस दिन से शुरुआत हुई है वर्ष की उसके अगले दिन क्या होगा वर्ष समाप्त होगा यानी कि खत्म होगा और अगर हम बात करें उसके आने वाले वर्षों की तो जिस दिन से शुरू हुआ प्लस टू कर दोगे वहाँ पे तो आने वाले वर्ष का दिन मिल जाएगा यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर हमको मिला कितना टू यानी कि शुरुआत हुई थर्सडे से तो ख़त्म कहाँ हुआ फ्राइडे पे और इसकी शुरुआत किससे हो जाएगी सैटरडे से और दो हज़ार पाँच का कैलेंडर की बात करें ख़त्म कहाँ होगा तो सैटरडे पे ख़त्म होगा और दो हज़ार छः की शुरुआत किससे हो जाएगी संडे से हो जाएगी दो हज़ार छः खत्म कहाँ पे होगा संडे पे होगा और 2007 की शुरुआत किससे हो जाएगी मंडे से हो जाएगी 2007 ख़त्म कहाँ होगा मंडे पे होगा और 2008 की शुरुआत किससे हो जाएगी ट्यूसडे से हो जाएगी 2008 खत्म कहाँ होगा यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ तो 2008 खत्म कहाँ होगा तो 2008 खत्म होगा आपका वेंसडे पे क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है दो बच रहा है यानी कि 30 दिसंबर को क्या पड़ेगा मंगलवार पड़ेगा 31 दिसंबर को क्या पड़ेगा बुधवार पड़ेगा यानी कि 2009 की शुरुआत किससे हो जाएगी गुरुवार से हो जाएगी और अगर हम बात करें यहाँ पे ख़त्म किस पे होगा तो खत्म भी ये किस पे होगा गुरुवार पे होगा इट मीन्स इसकी शुरुआत कहाँ से हो जाएगी फ्राइडे यानी कि शुक्रवार से हो जाएगी और ये ख़त्म कहाँ होगा ये ख़त्म भी होगा आपका शुक्रवार पे इसका मतलब ये कहाँ शुरू होगा ये शुरू हो जाएगा आपका सैटरडे से और ये ख़त्म कहाँ होगा तो ये ख़त्म होगा सैटरडे पे इसकी शुरुआत हो जाएगी किससे संडे से लेकिन ये ख़त्म कहाँ होगा तो ये ख़त्म होगा आपका मंडे पे और इसकी शुरुआत किससे हो जाएगी ट्यूसडे से हो जाएगी यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा एक यानी कि ख़त्म होगा ट्यूजडे से तो इसकी शुरुआत हो जाएगी कहाँ से वेंसडे से और ये ख़त्म कहाँ पर होगा वेंसडे पे तो इसकी शुरुआत किससे हो जाएगी पंद्रह की थर्सडे से ख़त्म कहाँ होगा ये थर्सडे पे तो इसकी शुरुआत हो जाएगी किससे फ्राइडे से ये ख़त्म कहाँ होगा ख़त्म होगा ये सैटरडे पे क्यों क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है दो और इसकी शुरुआत हो जाएगी किससे संडे से यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा एक इसकी शुरुआत हो जाएगी किससे मंडे से यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा आपका एक इसकी शुरुआत हो जाएगी किससे ट्यूजडे से यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा एक इसकी शुरुआत हो जाएगी किससे वेंसडे से यहाँ पर रिमाइंडर आएगा दो और इसकी शुरुआत हो जाएगी किससे फ्राइडे से यहाँ पर रिमाइंडर आएगा एक और इसकी शुरुआत हो जाएगी किससे सैटरडे से यहाँ पर रिमाइंडर आएगा एक इसकी शुरुआत हो जाएगी किससे संडे से यहाँ पर रिमाइंडर आएगा एक इसकी शुरुआत हो जाएगी किससे मंडे से यहाँ पर रिमाइंडर आएगा दो खत्म कहाँ पे होगा ये मंगलवार पे और ये कहाँ से शुरू होगा तो ये शुरू होगा आपका बुधवार से यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा एक इसकी शुरुआत हो जाएगी कहाँ से गुरुवार से यानी कि थर्सडे से रिमाइंडर बचेगा एक इसकी शुरुआत हो जाएगी फ्राइडे से ख़त्म कहाँ पे होगा फ्राइडे पे इसकी शुरुआत हो जाएगी कहाँ से कुछ तो ठीक है इसकी शुरुआत कहाँ से हो जाएगी सैटरडे से, से और ये ख़त्म कहाँ होगा तो ये ख़त्म होगा आपका मन... आ, संडे पे तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो जाएगी मंडे से क्लियर और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा एक इसकी शुरुआत हो जाएगी आपका कहाँ से ट्यूसडे से चलिए और ये खत्म कहाँ पे होगा ट्यूसडे पे तो इतना डाटा हम लोगों ने क्या किया नोट करके लिखा इसकी आवश्यकता क्या थी और एग्जाम में हमें क्या अप्रोच अपनाना है यहाँ पर हम क्या क्या बातें सीखने वाले हैं क्यों हमने इतना लंबा चौड़ा यहाँ पर थ्योरी इस प्रकार से लिखा चलिए अब समझने का प्रयास करेंगे तो अगर हम बात करें 2001 की तो 2001 को हम लीप ईयर प्लस वन कंसीडर कर सकते हैं या नहीं सबसे पहली बात तो ये आपको बतानी है अगर हम 2001 को लीप ईयर प्लस वन कंसीडर कर सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम 2002 को लीप ईयर प्लस टू कंसीडर कर सकते हैं 2003 को लीप ईयर प्लस थ्री कंसीडर कर सकते हैं 2004 को हम लीप ईयर कंसीडर कर सकते हैं 2005 को हम लीप ईयर प्लस वन कंसीडर कर सकते हैं क्लियर अगर हम बात करें सबसे पहले लीप ईयर प्लस वन की तो अगर हम 2001 को लीप ईयर प्लस वन कंसीडर करते हैं तो बताओ 2001 की शुरुआत किससे हुई मंडे से हुई यानी कि 2001 की एक जनवरी को दिन कौन सा है तो 2001 की एक जनवरी को दिन है सोमवार तो और कौन से वर्ष में आपको एक जनवरी को सोमवार देखने को मिल रहा है तो आप पाएंगे कि 2007 आप पाएंगे कि दो सात की शुरुआत किससे हो रही है 2007 की शुरुआत भी हो रही है यहाँ पे किससे सोमवार से हो रही है यानी कि अगर हम बात करें 2001 और 2007 का कैलेंडर की तो 2007 की एक जनवरी को सोमवार दो जनवरी को मंगलवार इसी प्रकार करते करते आपका 31 दिसंबर को सोमवार मिलेगा और 2001 की भी एक जनवरी को सोमवार दो जनवरी को मंगलवार और करते करते इकतीस दिसंबर को आपको मिलेगा सोमवार यानी कि पूरे के पूरे वर्ष का कैलेंडर क्या होगा समान होगा तो जब हम बात करेंगे लीप ईयर प्लस वन की तो लीप ईयर प्लस वन का जो कैलेंडर है वो कितने वर्षों बाद दोहराया जाता है तो वो दोहराया जाता है प्लस सिक्स ईयर्स अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे यानी कि छ वर्षों बाद अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे तो हमने कहा 2005 को भी हम क्या कंसीडर कर सकते हैं लीप ईयर प्लस वन दो को भी हम क्या कंसीडर कर सकते हैं लीप ईयर प्लस वन तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे चलो हम्म तो अगर हम बात करें किसकी हम बात करें 2005 की या हम बात करें किसकी 2009 की तो अगर हम 2005 की बात करते हैं तो 2005 की शुरुआत हुई सैटरडे से 2005 में हम कितना जोड़ दें छः जोड़ दें तो 2005 में छः जोड़ोगे तो मिलेगा 2011 और आप यहां देख सकते हैं कि 2011 की शुरुआत भी किससे हुई है सैटरडे से हुई है 2009 की बात करें तो 2009 की शुरुआत किससे हुई है 2009 की शुरुआत हुई है थर्सडे से और नौ में अगर छः जोड़ोगे तो पंद्रह तो दो की भी शुरुआत आपको थर्सडे से होती हुई दिखाई दे रही है यानी कि आप देख सकते हैं किसी भी लीप ईयर प्लस वन की हम बात करेंगे तो उसका कैलेंडर कितने वर्षों बाद रिपीट करेगा तो उसका कैलेंडर आपका रिपीट करेगा छह वर्षों बाद ठीक है किसी भी लीप ईयर का कैलेंडर कितने वर्षों बाद रिपीट करेगा तो छह वर्षों के बाद क्या करेगा रिपीट करेगा अब हम बात कर लेते हैं लीप ईयर प्लस टू की यानी कि हम बात करेंगे लीप ईयर प्लस टू यानी कि दो हज़ार दो की तो 2002 की शुरुआत किससे हुई है तो 2002 की शुरुआत हुई है ट्यूसडे से यानी कि मंगलवार से अगर हम बात करें 2002 की शुरुआत मंगलवार से हुई है तो बताइए और किस वर्ष की शुरुआत मंगलवार से हुई है तो आप कहेंगे 2008 की शुरुआत भी किससे हुई है मंगलवार से हुई है तो ध्यान दीजिए 2002 क्या है आपका एक ऑर्डनरी ईयर है 2002 क्या है आपका एक ऑर्डनरी ईयर है यानी कि साधारण वर्ष है जबकि 2008 क्या है एक अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर है तो 2002 में क्या होगा 2002 में 28 फरवरी तक का कैलेंडर और 2008 <Bailey> में 28 फरवरी तक का कैलेंडर तो सेम चलेगा लेकिन इसके बाद क्या होगा इसके बाद वर्ष दो में आ जाएगा आपका उनतीस फरवरी और वर्ष दो में आ जाएगा क्या एक मार्च ठीक है तो यहां पे हम लोग नोट करके लिखेंगे यहां पे हम लोग नोट करके लिखेंगे कैलेंडर ऑफ एनी ऑर्डिनरी ईयर किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर कैलेंडर ऑफ एनी ऑर्डिनरी ईयर विल रिपीट विल रिपीट ओनली इन एन ऑर्डिनरी ईयर हिंदी की बात करें तो किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर केवल साधारण वर्ष में ही दोहराया जाएगा किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर चलो लिख देता हूँ भाई किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर केवल साधारण वर्ष में ही दोहराया जाएगा क्लियर यानी कि साधारण वर्ष की हम बात कर रहे हैं तो इसका कैलेंडर कहाँ दोहरा जाएगा साधारण वर्ष में दोहराया जाएगा तो यानी कि इसकी हम बात करें 2002 की तो 2002 का कैलेंडर बताइए कहाँ पे दोहराया जाएगा तो 2002 का कैलेंडर आठ में तो नहीं दोहराया जाएगा लेकिन इसके बाद फिर से आपको ट्यूसडे कहाँ पर देखने को मिल रहा है तो इसके बाद आपको ट्यूज़डे देखने को मिल रहा है दो में इसके बाद आपको ट्यूज़डे कहाँ देखने को मिल रहा है दो में यानी कि हम बात करें दो का कैलेंडर कहाँ दोहरा जा रहा है तेरह में दोहरा जा रहा है तो इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे तो दो हज़ार छः को भी हम क्या कंसिडर कर सकते हैं लीप ईयर प्लस टू तो लीप ईयर प्लस टू यानी कि दो हज़ार छः की बात करें तो दो हज़ार छः की शुरुआत हो रही है देखिए कहाँ से संडे से हो रही है और संडे की बात करें तो छः में ग्यारह जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा सत्रह यानी कि यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है संडे देखने को मिल रहा है इसी प्रकार 2010 को भी हम क्या कंसीडर कर सकते हैं लीप ईयर प्लस टू तो इसकी शुरुआत हो रही कहां से शुक्रवार से हो रही है तो इसमें हम 11 जोड़ेंगे तो 21 यानी कि 21 की शुरुआत भी किससे होती हुई दिखाई दे रही है शुक्रवार से होती हुई दिखाई दे रही है यानी कि हम बात करेंगे लीप ईयर प्लस टू की तो हम कह सकते हैं कि लीप ईयर प्लस टू का कैलेंडर प्रत्येक ग्यारह वर्षों के बाद क्या किया जाता है दोहराया जाता है यानी कि प्लस इलेवन ईयर्स यानी कि ग्यारह वर्षों बाद ग्यारह वर्षों बाद ठीक है तो लीप ईयर प्लस टू का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा ग्यारह वर्षों के बाद दोहराया जाएगा और इसी प्रकार हम बात करें यदि लीप ईयर प्लस थ्री की यदि हम बात करें कि इसकी लीप ईयर प्लस थ्री की तो 2003 की हम बात करें तो 2003 की शुरुआत हुई है वेंसडे से और इसके बाद अगर हम बात करें तो 2014 की शुरुआत आपको वेंसडे से होती हुई दिखाई दे रही है यानी कि हम कह सकते हैं कि लीप ईयर प्लस थ्री का कैलेंडर कितने वर्षों बाद दोहराया जाता है तो लीप ईयर प्लस थ्री का कैलेंडर भी आपका ग्यारह वर्षों के बाद दोहराया जाता है यानी कि ग्यारह वर्षों बाद क्लियर आप इसको कैसे वेरीफाई कर सकते थे तो 2007 को भी हम ईयर प्लस थ्री बोल सकते हैं और सात में ग्यारह जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा अट्ठारह और सात की शुरुआत मंडे से हुई है तो अट्ठारह की शुरुआत भी किससे हुई है मंडे से हुई है यानी कि लीप ईयर प्लस थ्री की बात करें तो कब दोहराया जाता है तो लीप ईयर प्लस थ्री का कैलेंडर आपका दोहराया जाता है ग्यारह वर्षों बाद तो क्या एग्ज़ाम में अगर प्रश्न पूछेगा तो या तो हमें रट के जाना है या तो हमें इतना लिखना है तो देखिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमने कहा हम पूरे के पूरे कैलेंडर के में एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है तो देखिए किसी भी वर्ष का आपसे कैलेंडर पूछे कि कब दोहराया जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है केवल और केवल रिमाइंडर और जहाँ पे साइकिल सेवन से कंप्लीट हो जाए जैसे अगर हम बात करें देखिए यहाँ पे वर्ष 2001 की हमने बात करी थी तो एक आया फिर एक आया फिर एक आया कितने हो गए तीन तीन दो पाँच पाँच एक छः छः एक सात सात की साइकिल कंप्लीट मतलब इसके बाद जो आएगा वर्ष उसकी शुरुआत कहाँ से होगी वहीं से होगी क्लियर अब हम बात करें वर्ष 2002 की तो देखो एक एक और दो कितना दो दो और दो चार पाँच छः सात सात से क्या हो गया कंप्लीट हो गया लेकिन जो अगला ईयर मिला वो क्या मिला हमें एक लीप ईयर मिला इसलिए हमने क्या किया फिर से गिनती शुरू की तो हो गया दो दो एक तीन तीन एक चार चार एक पांच पांच दो सात और आप देख सकते हैं दो, दो का कैलेंडर तेरह में क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है तो मान लेते हैं आपसे एग्जाम में पूछा मान लेते हैं आपसे एग्जाम में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर विल हैव सेम कैलेंडर एज विच ऑफ़ द फॉलोइंग ईयर विल हैव सेम कैलेंडर एज टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो आपको करना कुछ नहीं है अगर आपको याद नहीं तो हमें पता है तेईस का रिमाइंडर एक होगा चौबीस का हो जाएगा दो पच्चीस का एक हो जाएगा छब्बीस का एक हो जाएगा सत्ताईस का एक हो जाएगा लेकिन हमें यहाँ पे पता है देखो कितना एक और दो तीन 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 छः और उसके बाद तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस और इसके बाद आ गया क्या अट्ठाईस इसके बाद आ गया क्या अट्ठाईस यानी कि छः दो कितना हो गया आठ फिर आ गया आपका उनतीस यानी कि नौ फिर आ गया आपका तीस यानी कि दस फिर आ गया आपका इकतीस यानी कि ग्यारह फिर आ गया बत्तीस यानी कि तेरह फिर आ गया आपका यानी कि चौदह यानी कि रिपीट कहां करेगा तो रिपीट करेगा आपका चौंतीस में देखो रिपीट कहां करेगा चौंतीस में तेईस हो गया चौबीस हो गया पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाइस उन्तीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस और सेवन से यहाँ पे कंप्लीटली क्या रहा? हो रहा है डिविजिबल हो रहा है यानी कि दो हजार चौंतीस में क्या कर जाएगा कैलेंडर रिपीट कर जाएगा तो ये प्रोसेस तो आपको पता होना ही चाहिए क्लियर किसी भी ईयर का बात करेगा तो आप इस तरीके से वहां पे आंसर निकाल सकते हैं चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट बात और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है चलिए तो सबसे पहले तो सभी को यह बताना है कि अगर हमने कहा वर्ष 2001 की शुरुआत बताओ किससे हुई है मंडे से हुई है तो सबसे पहले ये बताओगे कि वर्ष 2000 सन 2000 की शुरुआत किस दिन से हुई और ख़त्म कहाँ पे हुआ तो आप कहेंगे अगर इसकी शुरुआत हुई है मंडे से तो डेफिनेटली ये ख़त्म कहाँ पे हुआ है ये ख़त्म हुआ है संडे पे और ये ख़त्म हुआ है संडे पे तो हमें पता है संडे क्या था 31 दिसंबर को संडे था यानी कि हम दो जनवरी को भी क्या रहा होगा संडे रहा होगा और एक जनवरी की बात करें तो एक जनवरी को क्या रहा होगा सैटरडे यानी कि शनिवार रहा होगा क्लियर इतनी बात समझ में आ गई अब यहाँ पे हम बात करेंगे लीप ईयर का कैलेंडर कब दोहराया जाता है। तो अगर इसकी शुरुआत हुई सैटरडे से तो जहां पे आपको सैटरडे दिखाई देगा तो आपको दिखाई दे रहा है 2005 में क्या सैटरडे 2005 में क्या दिखाई दे रहा है सैटरडे यानी कि आप कह सकते हैं कि लीप ईयर का कैलेंडर कितने वर्षों बाद रिपीट करेगा पांच वर्षों बाद रिपीट करेगा वेरी गुड 2004 में अगर यहाँ पे थर्सडे है तो 2009 में भी यहाँ पे थर्सडे है ठीक है लेकिन ध्यान दीजिए 2000 क्या है वर्ष 2000 आपका एक लीप ईयर है और 2005 क्या है एक ऑर्डनरी ईयर है इसी प्रकार वर्ष 2004 क्या है एक लीप ईयर है और वर्ष 2009 क्या है एक ऑर्डनरी ईयर है तो यहाँ पे हम लोग फिर से नोट करके लिखेंगे कैलेंडर ऑफ एनी लीप ईयर कैलेंडर ऑफ एनी लीप ईयर विल रिपीट ओनली इन अ लीप ईयर कैलेंडर ऑफ अ कैलेंडर ऑफ एनी लीप ईयर विल रिपीट ओनली इन अ लीप ईयर क्लियर चलिए हिंदी में भी लिख देता हूँ किसी भी अधिवर्ष का कैलेंडर केवल अधिवर्ष में दोहराया जाएगा क्लियर यानी कि किसी भी लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होगा केवल लीप ईयर में ही रिपीट होगा तो फटाफट से आप लोगों को बताना है कि वर्ष 2000 का कैलेंडर बताओ कहाँ पे रिपीट होगा फटाफट से सभी लोग यहाँ पे आंसर करके बताएंगे तो हमें क्या करना था हमें यहाँ पे गिनती गिननी थी काउंटिंग करनी थी जहाँ पे सेवन से डिविजिबल हो जाएगा उसके बाद वाला ईयर की शुरुआत वहीं से होगी लेकिन हमें यह देखना है कि जहाँ पे सेवन से डिविजिबल भी हो साथ ही साथ जो अगला ईयर हमें मिले वो क्या हो एक लीप ईयर हो दोनों ही बातों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है तो अगर हम बात करें तो देखिए दो और एक तीन तीन दो पाँच पाँच एक छः दो एक तीन एक चार एक पाँच पाँच दो सात कंप्लीट लेकिन अगला ईयर हमें कैसा मिल रहा है अगला ईयर हमें मिल रहा है ऑर्डनरी ईयर तो हमें आगे भी काउंटिंग करनी है तो एक और दो कितना हुआ? एक और एक दो दो और एक तीन तीन दो पाँच पाँच एक छ एक सात कंप्लीट लेकिन अगला वर्ष हमें क्या मिल रहा है फिर से साधारण मिल रहा है तो फिर से हमें काउंटिंग करनी है तो एक एक और दो तीन तीन, तीन एक चार चार एक पाँच पाँच एक छः छः दो आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह दो तेरह एक चौदह लेकिन फिर से हमें अगला साल कैसा मिल रहा है ऑर्डिनरी ईयर मिल रहा है फिर से गिनेंगे तो एक और एक दो दो और दो चार चार एक पाँच पाँच एक छः छः एक सात अगला वर्ष हमें कैसा मिल रहा है लीप ईयर मिल रहा है यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लीप ईयर का कैलेंडर है वो कब रिपीट करेगा तो वो आफ्टर ट्वेंटी एट क्या करेगा रिपीट करेगा यानी कि हम बात करें यहां पे तो प्लस ट्वेंटी एट या आप कह सकते हैं अट्ठाइस वर्षों बाद क्लियर लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट करेगा तो लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट करेगा आपका 28 वर्षों बाद क्लियर तो ये हो गई बात किसकी इसकी रिपीटिशन ऑफ ईयर की इसके एक कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जब बीच में सेंचुरी आएगी तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे यानी कि आपको यहाँ पे कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है कॉन्सेप्ट आपके सामने है कैलेंडर कैसे मूव कर रहा है दिन कैसे बदल रहे हैं रिमाइंडर का मतलब क्या है हर एक बातों पे यहाँ पे डिटेल में मैंने डिस्कशन किया है और अगले सेशन की अगर मैं बात करूँ तो अगले सेशन में हम लोग जानेंगे लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे गिवन डेट्स पे डे निकालना फिर हम लोग कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन की भी बात करेंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और सेशन के साथ यानी कि कैलेंडर के अगले पार्ट के साथ क्लियर थैंक यू